नेटो क्रिएशंस चैनल में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम न्यू डिजाइन में तोरण बनाना सीखेंगे, जिसके लिए हमने 4 प्लाई की ऊन ली है और ये 10 नंबर की क्रोशिया ली है। तो फ्रेंड, आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम चेन बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12 चेन बनाएंगे। और फिर अब हमें यहाँ 1, 2, 3 चेन छोड़ के चौथा चेन में हम देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हम एक ही टाइम दो फंदे नीचे उतारेंगे और एक हम क्रोशिया पर रखेंगे, और फिर हम एक टाइम और बनाएंगे यहाँ। ये देखिए ऐसे, फिर इन दो फंदों को हम एक साथ नीचे उतारेंगे और फिर यहाँ हम रखेंगे। इस तरह से हमारा यहाँ 3 फंदे बन गए। अब हम इन तीनों फंदों को एक साथ देखिए नीचे उतारेंगे ऐसे। अब हम फिर इस यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे, 1, 2, और फिर हम इसी तरीके से दूसरा चेन में हम देखिए यहाँ दूसरा चेन में हम फिर से 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक ही टाइम नीचे उतारेंगे, एक फंदा हम क्रोशिया पर रखेंगे, फिर एक टाइम, 2, 3। देखिए इस तरीके से हमारा यहाँ 3, 1, 4 हो गए। इन सभी को एक साथ नीचे गिरा देंगे। देखिए अब हम फिर से यहाँ 1, 2 चेन बनाएंगे, और फिर यहाँ हम 1, 2 चेन छोड़ के तीसरा चेन में हम देखिए एक यहाँ पे तीसरा चेन में हम एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 2 बार फंदे हम लपेटेंगे और फिर हम 1, 2, 2 चेन छोड़ के तीसरा चेन में हम एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 2 फंदे 3 टाइम उतारेंगे, फिर से हम 2 चेन बनाएंगे, और फिर हम देखिए 2 चेन छोड़ के 1, 2, 2 चेन छोड़ देंगे तीसरा चेन में हम, फिर से देखिए एक टाइम नीचे गिराएंगे, फिर अभी क्रोशिए पर रखेंगे इस फंदे को, 2, 3, और फिर हम इन सभी 4 फंदों को हम एक साथ नीचे उतार देंगे। ये देखिए फिर अब हम यहाँ 2 चेन बनाएंगे, और फिर लास्ट वाले चेन में हम फिर से 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए 1, 2, 3, और इन सभी को हम एक साथ नीचे उतार देंगे। और फिर अब हम यहाँ 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, और फिर अब हम यहाँ दूसरी साइड आ जाएंगे, और फिर अब हम यहाँ बीच में फिर से देखिए उसी तरीके से बनाएंगे, 1, 2, 3, और फिर हम अब इन सभी 4 को एक साथ फिर हम 2 चेन बनाएंगे, और फिर यहाँ हम 3 टाइम, 1, 2, 3, और फिर से हम इन सभी को एक साथ नीचे उतार देंगे। और अब हम यहाँ 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 3 चेन बनाएंगे, और यहाँ बीच में हम यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, और फिर हम यहाँ देखिए इस जगह पे फिर से हम 3 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 2,
फिर तीन, और फिर हम इन सभी को एक साथ चारों को हम एक बना लेंगे। फिर अब हम यहाँ दो चेन बनाएंगे, एक दो तीन, देखिए चार फंदे बन गए हैं हमारे क्रोशिए पर। अब हम इन चारों फंदों को एक बनाएंगे, ये देखिए ऐसे। फिर अब हम यहाँ तीन चेन बनाएंगे, तीन, और फिर हम यहाँ इसी तरीके से बनाएंगे, सेम तरीका रहेगा हमारा। फिर चार को एक करेंगे, फिर दो चेन बनाएंगे, फिर यहाँ तीन टाइम, एक दो तीन, फिर चार को एक करेंगे, फिर हम यहाँ दो चेन बनाएंगे, फिर हम यहाँ ये देखिए इस वाले सिंगल क्रोशिया में हम नहीं बनाएंगे, इसके नीचे जहाँ हम सिंगल क्रोशिया बनाए हैं इस वाले लूप में हम क्रोशिया डालेंगे। ये देखिए ये वाला छोड़ देंगे, इसके नीचे वाले जहाँ से हम सिंगल क्रोशिया बनाए हैं पिछला लाइन में उसी जगह पे हम क्रोशिया डालेंगे, और फिर से यहाँ हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए ऐसे, और फिर यहाँ हम एक दो तीन, तीन चेन बनाएंगे, और फिर इसी जगह से हम एक और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए, और फिर हम यहाँ एक दो तीन, तीन चेन बनाएंगे, और फिर इस जगह पे हम फिर से सेम तरीके से हम यहाँ चार फंदे बनाएंगे, और फिर यहाँ चार को हम एक बनाएंगे, फिर से दो चेन बनाएंगे, और फिर हम तीन टाइम इस तरीके से, और फिर इन चार को एक करेंगे, फिर हम तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन, और फिर एक दो तीन, और फिर हम इन चार को एक करेंगे, फिर से दो चेन बनाएंगे, एक दो तीन, फिर से इन चार को एक करेंगे, फिर से यहाँ हम दो चेन बनाएंगे, और यहाँ अब हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक दो, दो टाइम फंदे यहाँ पे लपेटेंगे, और इस वाले चेन में हम देखिए बीच में यहाँ हम एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन, देखिए तीन टाइम दो दो फंदे करके नीचे उतारेंगे, फिर यहाँ हम दो चेन बनाएंगे, और फिर यहाँ हम देखिए इस जगह पे फिर से सेम डिजाइन, ये वाला डिजाइन हम बनाएंगे, एक दो तीन, फिर से दो चेन, एक दो तीन, फिर चार को एक करेंगे, फिर से यहाँ उसी तरीके से तीन टाइम हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ चार फंदे को एक बनाएंगे, फिर दो चेन बनाएंगे, फिर बीच में हम तीन टाइम और बनाएंगे, फिर हम तीन चेन बनाएंगे, इस बार तीन चेन बनाएंगे, और यहाँ हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर तीन चेन बनाएंगे, और फिर यहाँ हम दो तीन, फिर चार फंदे हो गए, चार को एक करेंगे, फिर दो टाइम
चेन बनाएंगे। फ्रेंड्स ये डिजाइन बहुत ही आसान है, सिर्फ तीन लाइन के देखिए डिजाइन है, एक दो तीन, तीन लाइन में ही एक डिजाइन बन जाता है। इन्हीं तीन लाइन को हम रिपीट करके पूरा पट्टी बना लेंगे। दो तीन, फिर से तीन चैन। फिर अब हम इस बार यहाँ नहीं, इसके नीचे जहाँ से हम ए डब सिंगल क्रोशिया बनाए हैं उसके नीचे हम यहाँ फिर से देखिए क्रोशिया डालेंगे, धागे को निकालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। और फिर हम यहाँ तीन चैन बनाएंगे, एक दो तीन, फिर से हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे उसी जगह से। इन्हीं तीन लाइन को रिपीट करके हमारा डिजाइन बनेगा। फिर यहाँ हम तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन, फिर दो चेन, एक दो तीन, फिर इन चार को एक करेंगे, फिर से तीन चेन बनाएंगे, फिर से दो चेन, दो तीन। फिर अब हम यहाँ दो चेन बनाएंगे और हम यहाँ फिर से बीच वाले चेन में हम देखिए यहाँ ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इन्हीं तीन लाइन को रिपीट करते हुए हमारा पूरा गेट का पट्टी बन जाएगा। जितना बराबर आप बनाना चाहें, जितना बड़ा आप बनाना चाहें उतना बड़ा बना लें। बहुत ही सुंदर भी है और आसान भी है बनाने में, जल्दी भी बन जाएगा। ये देखिए इस तरीके से हमारा डिजाइन बन के आएगा। फिर अब हम यह सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस लाइन में, फिर दूसरी लाइन में दो टाइम हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसी जगह पे। इसी तीन लाइन को रिपीट करते हुए हमारा पूरा पट्टी बन जाएगा। देखिए फ्रेंड, हमने इतनी लंबी पट्टी बना ली है, आप भी अपने गेट के बराबर पट्टी बना लें। तो फ्रेंड, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।